हमारा आजकल जो चल रहा है गिव अवे का सिलसिला, उसमें मैं अपने पार्टिसिपेंट को कुछ बोलना चाहता हूँ। और जो बड़ा वाला लिया था वो यहाँ पे रख दिया है। वाह, यहाँ पतंगबाजी भी हो रही है। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ इस वक्त फूलों के दरमियान, मेरे इर्द गिर्द जो है वो पौधे फूल सारे जो हैं वो अपने जोबन पे हैं। सोचा घर के लिए कुछ थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन फ्रंट पे रखने के लिए कुछ कोई पौधा या कोई फूल कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए थी आपकी भाभी को, तो उनके साथ आया हूँ और वो लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अभी जाके शॉपिंग करते हैं, देखते हैं शायद कुछ पसंद आ जाए। अच्छा, एक बात, हमारा आजकल जो चल रहा है गिव अवे का सिलसिला, उसमें मैं अपने पार्टिसिपेंट को कुछ बोलना चाहता हूँ। वो ये कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत गबला चल रहा है, बहुत चीटिंग चल रही है। मेरी बसंती जी, इतनी प्यारी बसंती है, आप लोगों ने पता क्या किया है? आप लोगों ने, मुझे लगता है कि उसमें जो टाइटल में बसंती है ना, सिर्फ आप लोगों ने वो काउंट कर लिया है और आपने जो है ना वो लिख दिया है। उस क्वेश्चन का सही सही आंसर चाहिए हमें इस बार बिल्कुल माफ़ी नहीं है। तो एक काम करें, अभी 2-3 दिन हैं, वेंसडे को उसका गिव अवे अनाउंस करना है, जाके जल्दी से एडिट कर लें, लेकिन उससे पहले जाके वीडियोस देखें और जिस में जो है वो आपको बसंती नज़र आ रही है। क्वेश्चन ये है कि आपने व्लॉग्स देखने हैं और उनमें जिसमें बसंती है सिर्फ आपने वो नंबर काउंट करना है कि कितनी बार बसंती मेरे व्लॉग्स में आई है। जो लोग शामिल होना चाहते हैं, जल्दी से मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ, उसमें जाएँ, जाके उसको एडिट करें, देखें, तो जल्दी से उसमें शामिल हो जाएं। गो फॉर इट। मैं आपको हिंट देता हूं कि 10 से ज़्यादा है। ओके, ये हिंट है। तो शामिल होने के लिए अपने अपने मैसेज एडिट कर लें, अभी 2-3 दिन बाकी हैं। चलो अब अंदर चल के देखते हैं कि आपकी भाभी को कुछ पसंद आया या नहीं आया। ये होम डिपो है जहाँ पे ये एक नर्सरी है इनकी, और इधर गार्डनिंग से रिलेटेड जितने पौधे फूल दरख्त छोटे साइज के, वो भी जैसे ये कलरफुल, कितने प्यारे लग रहे हैं, वाओ, है ना, डिफरेंट कलर के। ये जो 2-3-4 महीनों की ये जो समर होती है, उसमें यहाँ पे लोग अपने घरों को बहुत सजाते हैं और बहुत शौक पूरा करते हैं, क्योंकि उसके बाद विंटर में जो है वो फिर ये ख़त्म हो जाता है सारा सिलसिला। तो बड़ा इन्जॉय करते हैं हम लोग, थोड़े से लेज़ी हैं इस मामले में, वो क्यारियाँ नहीं बनाई या फूल उस तरह से नहीं जो है वो सजाते, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो इस चीज़ को बड़ा, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, इनके पास जो स्टोर है पूरा, जिसमें गार्डनिंग से रिलेटेड और सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रास को किस तरह से अच्छे तरीके से रखना है उसके लिए बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये यूज़ करते हैं। ग्रास अच्छी यहाँ पर बहुत होती है, लोग बड़ा शौक, जो यहाँ का कल्चर है 3-4 महीने में फुल तैयारी करनी है, गार्डनिंग बहुत अच्छी करनी है, और उसके बाद फिर सब कुछ पैक फिनिश। ये देखें, इधर समर से रिलेटेड, विंटर से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ये वीड वगैरह जो एक्स्ट्रा उग जाते हैं पौधे, उनको निकालने के लिए। अच्छा जी, हमने तो कर ली है अपनी शॉपिंग। ये देखो, हमें ये पौधे मिल गए हैं जो हम रखेंगे अपने गमले में। ये जो है वो एक बड़ा सा गमला बाय किया है, जिसमें ये एक आधा इसमें सेट हो जाएगा, बाकी हम वैसे रख लेंगे। और ये साथ में पत्थर भी हैं, स्टोन्स भी मिल गए हैं। अब यहाँ पे मिट्टी, मेरा दिल नहीं कर रहा है, हो सकता है ये उलट जाए यहाँ पे, लेकिन रखने तो पड़ेंगे ना फिर, है ना, क्या करें। हम लोग घर पहुँच गए हैं और आज ये जो टेस्ला में एक डीप कैबिन होता है ना, इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सीधे जो है वो आए हैं प्लांट,
और वो नीचे चले गए हैं। इसमें उलटने के चांसेस जो है ना वो ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए अच्छा हो गया है कि उसमें आ गए हैं। अब इनको सेट करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। टेस्ला में पीछे इनका ये होता है कि इसमें स्पेयर टायर नहीं होता, जो स्टपनी जिसे बोलते हैं ना वो नहीं होता, डोनेट यहाँ पे उसे कहते हैं। इसलिए इसका ये पीछे स्टोरेज उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया, इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। बल्कि एक और चीज़ मैं दिलचस्प दिखाता हूँ आपको कि इसमें आपने शायद पहले नहीं देखा होगा, इसमें एक होता है उसे कहते हैं फ्रंक, ये इसको करते हैं ओपन और इसमें स्टोरेज, इसमें आगे भी स्टोरेज होता है, ये देखो। अब इसमें चूंकि इंजन नहीं है तो इसके आगे भी स्टोरेज है, तो जब कभी सामान वगैरह रखना होता है तो इसमें हमें काफ़ी ऑप्शन है। आगे भी सामान आ जाता है, पीछे भी आ जाता है, और फिर हम लोग अपना कैंपिंग पे या किसी पिकनिक पे जा सकते हैं। यार आज चस्के वाला मौसम है, बड़ा मज़ा आया। आज बसंती को लेके गया था मैं, बसंती के साथ तकरीबन कोई 2 घंटे इंजॉय किया है। बसंती भी खुश हो गई है और मैं भी खुश हो गया। बहुत मज़ा आया आज की राइड का। वेदर बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है आजकल। आज टेम्परेचर इस वक्त मेरा ख्याल है कोई शायद इस वक्त 28 के करीब है टेम्परेचर, दिन में थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन मज़ा आ गया आज राइड का, बहुत मज़ा आया। मैं थोड़ा सा राइड की एक वीडियो बनाई है, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो जी, हमारी शॉपिंग के बाद अब जो है ना वो फ्रंट की थोड़ी लुक चेंज हो गई है, तो अब समर के वाले से ज़रा अच्छा लग रहा है। मैं दिखाता हूँ, पहले एंट्रेंस पे ये 2 रख दिए हैं फूलों वाले पौधे, और जो बड़ा वाला लिया था वो यहाँ पे रख दिया है। होम वेलकम ओवर होम, ये दोनों यहाँ पे आ गए हैं, और ये है हलन वसा हलन। कैसा लगा आप लोगों को बताएं ज़रा फीडबैक में, कमेंट्स में बताएं अगर आपको अच्छा लग रहा है या अभी इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, ज़रूर फीडबैक देनी है आपने। ओके, ऐसे ही घर बैठे बैठे प्लान बना है कि चलो लेक फ्रंट जो है वो एंजॉय करते हैं सनसेट। तो हम लोग आ गए हैं, एक यहाँ पे पार्क है लेक फ्रंट प्रोमिनेड पार्क, इटोबिको में है, तो बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आगे चल के देखते हैं कैसा है। बड़ा खूबसूरत लग रहा है आज शाम का मंज़र। इसके दोस्त खड़े हैं यहाँ पे, तो उसको जरा मस्तियाँ करके दिखा रहा है। और देखिए डिग ना जाइए थले अच्छा नज़ारा है हर तरफ। वाह, यहाँ पतंगबाजी भी हो रही है।
क्या बात है, कितनी प्यारी हवा चल रही है, पेची हो रहे हैं पेची। नाइस, जबरदस्त। वो सामने डाउनटाउन दिखाता हूँ, टोरंटो डाउनटाउन, वो इधर से नजर आ रहा है दूर से। सारे लोग आके बैठ गए हैं और अब इंजॉय कर रहे हैं। मच्छरों के आने से पहले पहले ये इंजॉय कर लेंगे, फिर उसके बाद भाग जाएंगे जैसे ही शाम होगी, फिर मच्छर भी बहुत आ जाता है। इधर क्या हो रहा है, ये भी कोई मेरे ख्याल कोई शादी की तकरीब के बाद ना, जैसे सारे इकट्ठे होते हैं ना। अच्छा, वाइट कलर कपड़े पहने हुए हैं उधर भी सब ने, ये भी सारे वाइट कलर के ड्रेस में हैं उधर भी। वाह, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, पीछे यॉट सारे खड़े हैं ना, जो ये अपने प्राइवेट लोगों की ये सारी यॉट्स होती हैं जिनको वो लेके यहाँ से निकलते हैं। प्राइवेट बोट्स जो है ना वो लोग यहाँ पे पार्क करते हैं, इसका वो रेंट पे करते हैं सारे साल का, तो जब जिसको चाहिए होती है, ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे आता है अपनी बोट पिक करते हैं और लेक में लेके निकल जाते हैं। ये डक कितनी प्यारी लग रही है, इसे क्या बोलते हैं, स्वान भी बोलते हैं शायद। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इवनिंग। खूबसूरत खूबसूरत, अति सुंदर। वो उधर चली गई है वो डक, उससे बातें करने चली गई है, ये शायद इसको कोई फूड दे अभी थोड़ा सा। ये बने हुए हैं ना पीछे सारे डॉक्स बने हुए हैं जहाँ से अपने अपनी बोट पिक करते हैं और फिर लेक को चले जाते हैं। क्या बात है जी, हर बंदा जो है वो एंजॉय कर रहा है अपने हिसाब से, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। इतने खूबसूरत मौसम ने ना मेरा मूड बड़ा ज़बरदस्त कर दिया है, बड़ा मज़ा आया है। और अच्छे मूड में क्या होता है, बंदे का दिल करता है थोड़ा सा गुनगुनाने को, तो इस वक्त मेरा दिल कर रहा है मैं आप लोगों के लिए एक सॉन्ग सिंग करता हूँ थोड़ा सा। ये सॉन्ग मैं अक्सर सिंग करता हूँ और मेरे पुराने फैमिली वाले सब जानते हैं और वो कहते हैं ये तेरा सिग्नेचर सॉन्ग है। खैर, आज मेरे जहन में ये सॉन्ग आ रहा है और मैं कुछ बोल आप सब के लिए जिन्होंने नहीं सुना हुआ उनके लिए भी। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात इसी जगह पे मुझे किस कदर ये हसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा इसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग
भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़ी खूबसूरत शाम को एंजॉय करने के बाद घर वापस पहुंच गए हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।